कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब कीमा। इसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, ये थोड़ी सी चर्बी वाला ले लिया है। इसको मैंने पीसा नहीं है, ग्राइंड नहीं किया, बारीक नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो इसको ग्राइंड करके बिल्कुल रेशम जैसा कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही ले लिया है, मैं कीमा बना रही हूँ इसलिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें हैं कटी हुई, 6 से 7 ले ली है मैंने, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सीख कबाब मसाला शान का 1 पैकेट, और इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी 2 घंटे के। ये देखें 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कवर करके। अब यहाँ पर मैं तेल गर्म कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ प्याज, और इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई हो गई प्याज हमारी, फ्राई हो गई। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, एज इट इज। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब कीमे को मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम भूनते रहेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, 2-3 मिनट जो है उसे फ्लेम से भूनेंगे। इसलिए कीमा भी ठंडा है, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा कीमा तो फिर हम इसको स्लो आँच करेंगे। ये देखें 2-3 मिनट मैंने तेज आँच पे इसको भून लिया। अब इसकी मीडियम आँच करके अब मैं इसको कवर करके भूनूंगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा, या अपने ही पानी में डल जाएगा। ये देखें मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, मीडियम आँच पे रखा हुआ है कवर करके, और ये भूनने पे आ गया है। इसको हम भूनेंगे। देखिए गाइस कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है, मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, बहुत जल्दी बनने वाला कीमा है ये। अच्छा मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी ऊपर से गार्निश के लिए। अब मैं कोयला मैंने गरम करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। अब मैं ये रख रही हूँ रोटी, मैंने रख दी रोटी। अब मैं ये रख रही हूँ देखिए कोयला। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये देखिए। और मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी।